तो ये प्लांट है एक्सल वुड का, थोरा भी कहते हैं कॉमन नेम। उसको मैंने सील किए हुए रखा था, एक बार तो लगा कि ये चला जाएगा, फिर अचानक से उसने स्टार्ट ले लिया। फिर मैंने उसको नीचे से इस तरह टेम्पर करके पानी भी दिया है। तो अब इसमें स्प्राउटिंग है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको एक पॉट दे दिया जाए, रिपोर्टिंग नहीं कह सकते, जैसा है वैसे ही मैं इसको पॉट दे दूंगा। इसको हाइब्रिडवेस्टिंग करते हैं तो कोई रूट्स नहीं रहता इसमें, इसके रूट थोड़े अंदर रहते हैं, तो इसलिए हार्वेस्टिंग के वक्त हम उसके रूट नहीं बचा पाते, इसलिए उसको इस तरह से सील कर देता हूँ। अगर ऐसे ही आपने लगाए तो ये कभी नहीं सर्वाइव होगा मेरे ख्याल से। पहले मैं कर चुका हूँ, इसका प्लांट बड़ा अच्छा था मेरे पास, बट वो चला गया था। तो इसमें रूट है या नहीं मैं देखना भी नहीं चाहता, उसको केवल मैं लगा देना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया टेपर के साथ एक छोटा सा प्लांट स्टाइल होगा यहाँ, उसको केवल आज तो मैं पॉट दे रहा हूँ जिससे ये प्रॉपर तरीके से ग्रो हो सके दोस्तों, क्योंकि अब वेदर सपोर्टिव है तो ये अच्छे से हो जाना चाहिए। तो ये जो यूनिक सिस्टम से मैं प्रोपोगेशन करता हूँ उसमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। पौधा एकदम से चला जाए उससे अच्छा है, वो बचता है। और हम कहीं भी जाते हैं दोस्तों, कहीं बाहर घूमने गए हैं और वहाँ आपको पौधा पसंद आता है तो हम वहीं से कुछ प्लांट तुरंत ही हार्वेस्टिंग करके इसी तरीके से पार्सल कर सकते हैं, वो किसी और तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हमने प्लांट को उखाड़ा उसको तुरंत ही लगा देना होता है, तो इससे बेटर तरीका नहीं है। क्योंकि इसमें लगा देने के बाद दोस्तों प्लांट भले ही हिलेगा डुलेगा पर उसका रूट सिस्टम एक बार स्टेबल हो जाता है। सील करने के बाद मैं जो रब करता हूँ प्लास्टिक फिल्म, उसकी वजह से बहुत सारा अच्छे से प्लांट स्टेबल हो जाता है। उसको जितना भी हिलाओ, गाड़ी में से आओ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता और प्लांट वैसा का वैसा रहता है। और उसका जो रूट सिस्टम को मॉइस्चर चाहिए वो कंटिन्यू बना रहता है, यानी प्लांट को लगता ही नहीं कि वो वहाँ से उखड़ा गया है, वो बहुत ही जल्दी स्टेबल होकर स्टार्टिंग भी करने लगता है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि कुछ 15-20 दिन हो जाते हैं तब तक इसमें अगर स्प्राउटिंग आती है और स्प्राउटिंग में कुछ डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई देते हैं तब उसको पानी दे, कहीं इंजेक्शन से या कहीं होल करके प्लास्टिक में पानी दे सकते हैं दोस्तों। तो ये इतना कारगर है दोस्तों कि आपके पास प्लांट नहीं हो इससे अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप बाहर गए हो, वहाँ आपको प्लांट पसंद आया, कहीं से लिया, तो आपको ये गोल्डन चांस मिलता है इस तरीके से। कुछ ही लिमिटेड आपके पास टूल्स हैं, फिर भी कुछ एक टूल हो, नाइफ हो, कुछ प्लास्टिक रोल, वो सब आप रख सकते हैं बिना वेट का, बहुत ही कम चीज़ों के साथ आप प्लांट को हार्वेस्टिंग करके अच्छे से ला सकते हैं दोस्तों। ये एक्सल वुड कहा जा सकता है। एक्सल यानी जो बैलगाड़ी होती है उसका जो एक्सल होता है उसमें इसकी लकड़ी मेरे ख्याल से इस्तेमाल होती है, शायद इसीलिए ही उसको नाम एक्सल वुड पड़ा हो। मैंने सुना भी था कि पहले से ही सुना था कि धोरा होता है हमारे देसी लैंग्वेज में, उसको धावरा बोलते हैं, उसकी लकड़ी से जो एक्सल है वो बड़ा अच्छा बनता है। तो ये इस लकड़ी से बनता होगा, उसको कॉमन नेम होता है धौरा और उसका नाम होता है एक्सल वुड दोस्तों। तो बड़ा अच्छा प्लांट बनता है, मैंने पहले बना चुका हूँ बट मेरी गलती से मैं गवा भी चुका हूँ। इतना बढ़िया प्लांट था कि अगर पिक्चर मिल जाता है तो मैं शेयर करने की भी कोशिश करूँगा। बहुत ही बढ़िया प्लांट था दोस्तों, 4-5 साल पहले की बात है, बट वो मैं गवा चुका हूँ। और हर साल कोशिश रहती है कि मैं इसका प्लांट एक बनाऊँ, फिर नाकाम रहा, इस बार शायद सक्सेस हो जाए। तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बने रहे, सपोर्ट करते रहे, वीडियो देखते रहे। थैंक यू।